हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी इजी डेंटिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ एक्सरे फिल्म। तो हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा कि एक्सरे फिल्म के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सरे फिल्म को जो IOPA में हम यूज़ करते हैं उसको खोल कर देखेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे ये रैपिंग में आता है और जो जो इसके पार्ट्स हैं अंदर, जो एक्सरे फिल्म खोलने के बाद हम देखेंगे जो जो इसके पार्ट्स हैं वो किस यूज़ के लिए होते हैं, उनका पर्पस क्या है। तो ये सारी बातें आपको जानने मिल जाएंगी, तो लास्ट तक हमारा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ एक्सरे फिल्म्स। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक एक्सरे फिल्म रखी हुई है। IOPA में इसका यूज़ करते हैं, इंट्रा ओरल पेरियोपाइकल रेडियोग्राफ में हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्लोज करो, ये देख रहे हैं आप फिल्म। इसके दो साइड होते हैं, ये एक पूरा वाइट प्लेन साइड होता है और दूसरा साइड ऐसा दिखता है। पहले हम एक साइड को समझ लेते हैं। ये जो साइड है पूरा प्लेन होता है, जिस भी टूथ का रेडियोग्राफ हमको लेना है उसके टूवर्ड्स हम इसको रखते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हमको इन टूथ का एक्सरे लेना है, तो हम ये जो वाइट पोर्शन है टूवर्ड दी टूथ रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। और जो हमारा एक्सरे बीम होगा, हमारा जो कोन होगा, वो यहाँ से हम प्रोजेक्ट करेंगे। देख लीजिए आप, तो इसका जो ये वाइट पोर्शन वाला साइड है ये पूरा प्लेन होगा। मैं इसमें साइड में, अगर आप यहाँ पे मैंने ब्लैक मार्क किया हुआ है, अगर आप ऐसा फील करेंगे तो एक उभरा हुआ पॉइंट मिलेगा जिसको हम एम्बॉस डॉट बोलते हैं। ये एम्बॉस डॉट फिल्म को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया जाता है। जब भी हम IOPA लेते हैं तो ये जो एम्बॉस डॉट है इसको हम ऑक्लूजल प्लेन की तरफ रखते हैं, जिससे हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। अब हम इसके दूसरा साइड देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का होता है, ये फ्री होता है, ये ऐसा अलग हो जाता है। ये फिल्म को जब डेवलप करते समय खोलने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ से आप जिगजैग पैटर्न देख रहे होंगे, यहाँ से सील होता है ये। तो जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम और स्पीड लिखी होती है फिल्म की। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें थोड़ा सा इंक में लगाता हूँ। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, स्पीड ई। स्पीड का बेसिक मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा स्पीड की फिल्म होगी उतना कम एक्सपोज़र हमको उसको देना पड़ेगा। तो ये जो फिल्म है ए से लेकर एफ तक स्पीड में आती हैं, A, B, C, D, E, F, और अब जी स्पीड फिल्म भी अवेलेबल हैं। इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ में हम डी और ई स्पीड की फिल्म यूज़ करते हैं। तो जो स्पीड डिपेंड करती है ए से लेकर एफ तक जो होती है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स पर डिपेंड करती है। जो अंदर इसके एक्सरे फिल्म होती है उसका कंपोनेंट होता है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। इसके बारे में हम ज़्यादा डीप अभी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरे फिल्म का कंपोनेंट हम समझेंगे। जब एक्सरे का कंपोजिशन हम समझेंगे उस समय सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स की हम बात करेंगे। तो चलिए अब इसको हम खोल कर देखेंगे अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये आउटर कवरिंग है, ये प्लास्टिक की या विनाइल की बनी होती है। इसके अंदर जब हम इसको खोलेंगे तो एक ब्लैक पेपर निकलेगा। ब्लैक पेपर के अंदर हमारी एक्सरे फिल्म होती है और इस पोर्शन में एक लेड फॉइल होती है। तो चलिए पहले इसको खोल के देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने इसको खोला है। तो ये जो है प्लास्टिक कवर है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला ये आउटर कवरिंग है, ये प्लास्टिक या विनाइल की बनी होती है। ये जो अंदर हमारा कंपोनेंट है उसको सलाइवा से प्रोटेक्ट करती है। इसको यहाँ रख देता हूँ मैं। इसके बाद आप देख रहे हैं, ये मैं खोलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक पेपर है, इसके अंदर हमारी फिल्म होती है। इसको अभी हम निकालेंगे। इसके पहले मैं बता देता हूँ, ये सिल्वर कलर की एक फॉइल दिखती है, ये लेड फॉइल है।
जब हम एक्सरे लेते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो रेडिएशन को ये स्केटर होने से प्रिवेंट करती है। तो जैसा अभी मैंने आपको इसको खोल के दिखाया, तो यहाँ से वाइट पोर्शन जो आउटर कवरिंग में था, यहाँ से हम एक्सपोज करते हैं और जो एक्सपोजर है वो यहाँ पर आकर रुक जाता है, इस लेड फॉइल के कारण रुक जाता है, बाहर नहीं फैल पाता है, तो इससे रेडिएशन का खतरा भी कम होता है। अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं, ये एक ब्लैक पेपर है, इसके अंदर होती है हमारी फिल्म, एक्सरे फिल्म। वीडियो में आपको शायद ज़्यादा ब्लैक ना दिख रहा हो, लेकिन ये ब्लैक कलर में आता है। और किस लिए ये होता है, जो अंदर हमारे फिल्म है, इस ब्लैक पेपर के अंदर जो फिल्म है, एक्सरे फिल्म, उसके ऊपर एक इमल्सन ऑयल की कोटिंग होती है, उस कोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया जाता है। अब मैं इसको खोल के अंदर फिल्म को देखेंगे हम। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और ये जो है हमारी एक्सरे फिल्म है, तो ये है हमारी एक्सरे फिल्म जो एक्सपोज होती है, जिसमें हमारा टूथ का रेडियोग्राफ आता है। इसमें अब आपको काफ़ी क्लियर ये डॉट दिख रहा होगा, मैं दूसरे साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। पास करो, ये डॉट उभरा हुआ आपको दिख रहा है, पॉइंट एक। इसी एम्बोस डॉट की हम बात कर रहे थे, जो आउटर कवरिंग में मैंने आपको दिखाया था, यही आइडेंटिफाई करने के लिए फिल्म को होता है। तो दोनों साइड से आप फिल्म देख लीजिए, इसी फिल्म को एक्सपोज करके, इसको डेवलप करके हम टूथ का रेडियोग्राफ लेते हैं। हमारे पास जब हम इसको डेवलप करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर एक फिल्म हमारे पास आ जाता है। तो जो डेवलपिंग प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी समझेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो ये हमने एक्सरे फिल्म को खोल कर देखा। नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। ये आउटर कवरिंग है जो प्लास्टिक या विनाइल की बनी होती है। इसके बाद ये एक लेड फॉइल है जो रेडिएशन को स्केटर होने से बचाती है। उसके बाद आता है ये ब्लैक पेपर जिसके अंदर एक्सरे फिल्म हमारी होती है। और लास्ट में आती है एक्सरे फिल्म जो कि काफ़ी सेंसिटिव कंटेंट होता है, जो बाहर लाइट से एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अगर एक बार एक्सपोज हो जाता है तो फिर ये किसी काम का नहीं रहता, इसीलिए इतनी सारी कवरिंग में ये आता है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आकर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड किन टॉपिक्स में आप और वीडियो देखना चाहते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।